संडे का दिन यानी छुट्टी का दिन, और छुट्टी का दिन यानी हम जैसे बैचलर लोगों के लिए ढेर सारा काम। वो जो ढेर सारा काम है वो वाई फॉरगेट करूंगा, इंट्रो दे देता हूँ पहले। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आज संडे है, तो जो मैं कह रहा था हम लोगों का जो ढेर सारा काम, तो संडे के दिन यूजुअली काफ़ी सारे काम जो वीक के जो होते हैं, घर का सामान भरना, ये आम लाइफ जिसे हम कहते हैं, जो हम लोग लीड करते हैं, ये हमें संडे के दिन ही करना पड़ता है। उसके अपार्ट फ्रॉम वीकली जो पूरा काम रहता है वो भी देखना होता है, तो संडे के दिन थोड़ा सा स्पेशल होता है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, घर का काम, हाउस होल्ड वर्क जो है वो ज़्यादा होता है। तो फिलहाल आज है संडे, तो बस नॉनवेज तो बनता है, तो चलो बाहर चलते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम एक स्पेशल ट्रिब्यूट, एक ट्रीट देने वाले हैं मम्मी को, क्योंकि मदर्स डे जो है वो हुआ है कल, यानी कि सैटरडे को था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ट्रीट मैं अपनी मम्मी को दूँ। आज उनके लिए रेस्ट, आज जो है डिनर रात का मैं बनाऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो मार्केट चलते हैं और आप लोगों को मैं आज यहाँ का लोकल मार्केट दिखाता हूँ। सो गाइज संडे को बेसिकली जो पहले से ही मेरी एक हैबिट है कि संडे है तो आज हम नॉनवेज खाएंगे, तो फिलहाल हम मार्केट जा रहे थे। और कहीं ना कहीं कल जो है मदर्स डे गया, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक छोटा सा मम्मी को ट्रीट दिया जाए, क्योंकि मम्मी एवरीडे ही कर रही है, तो एक दिन उनको रेस्ट दिया जाए और उस दिन का जो काम है एंटायर काम हम करें, और एटलीस्ट मम्मी को एक रेस्ट करने मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम मार्केट जाते हैं, चिकन लेते हैं, और शाम का मेरा प्रोग्राम है कि मैं थोड़ा सा चाइनीज़ नूडल्स वगैरह हो गया, सूप वगैरह हो गया, वो बनाऊं। सो चलते हैं मार्केट। सो फिलहाल चिकन शॉप में मैं भी आ गया हूँ। सो बेसिकली प्लान है जो है चाइनीज़ वगैरह जो डिशेज़ है, तो मैं जो स्पेशली ब्रेस्ट का जो मीट होता है मैं वही लूँगा, काइंड ऑफ बोनलेस होगा। प्रिपरेशन करेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या सामान लगेगा। तो मार्केट में घूमते हैं। तो और ये जो आप देख रहे हो ये एंटायर जो है ये यहाँ का लोकल मार्केट है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी हम ले लेते हैं और चलते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू व्लॉग अलॉन्ग विथ योर मार्केटिंग, काफ़ी भारी पड़ जाता है। और फिलहाल हो गया है हम लोग का सब सामान जो है, चिकन वगैरह हम लोग का जो है वो लेके हो गया है। अब चाहते हैं मैरिनेट करने रखते हैं, और प्रिपरेशन वगैरह क्या है वो हम करते हैं, और देखते हैं कि और इस व्लॉग में हम क्या कंटेंट ऐड कर सकें ताकि ये व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो फिलहाल अभी घर चलते हैं। सो गाइज भगवान का इस धरती पर सबसे बड़ा क्रिएशन और सबसे अच्छा क्रिएशन है हमारी माँ, क्योंकि वो है तो हम है, वरना हम इस दुनिया में भी नहीं आते। और माँ का आदर, माँ का जो हम कहते हैं ना इज्जत करना, सत्कार करना, ये हमेशा हमें करनी चाहिए। अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली आप लाइफ में तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल जो आज मैं जो करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं आज का डिनर बनाऊँगा, मम्मी की थोड़ी सी मैं हेल्प ले लूँगा। और फिलहाल तो अभी चलते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं कि मैं किचन में क्या क्या जो प्रिपरेशन हमें लगता है वो हम लोग देख लेते हैं। और वैसे भी व्लॉग्स कर करके एक किस्म से व्लॉग्स वगैरह करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ थोड़ा सा हम हटके करें, कुछ ना फूड के बारे में कुछ करें, कुछ ऐसे फूड बनाए घर में जो घर के अंदर हम बनाकर हम उससे प्रॉपरली तरीके से एक पार्टी के अंदर हम यूज़ कर सके। और गाइज मैं जो आज बनाने जा रहा हूँ डिश, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में आप लेने जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ करके पर प्लेट होगा। प्लस आप अगर कोई स्ट्रीट या नॉर्मल रेस्टोरेंट से लोगे तो भी 250-300 होता है। तो मैंने घर के अंदर उसे ला के जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ला के मैंने वो चीज़ बना रहा हूँ। तो आप देखिए मैं मिनिमम जो रिसोर्सेस में लिमिटेड में मैं कैसे बनाता हूँ, तो चलो चेक करते हैं। तो गाइज एज यू कैन सी ये है चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा जो है वो रेडी हो गया है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है, अभी सेकंड प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं बनाने जा रहा हूँ शेजवान सॉस। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा घर में शेजवान सॉस कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल गैस ऑन है। अभी हम इस पे रखेंगे ये छोटा सा पैन, और ये पैन मैंने, आप देख सकते हो कि ये पैन जो है मैंने रख दिया है। और इस पैन में हम थोड़ा सा डालेंगे तेल, और तेल डालने के बाद इस पे मैंने यहाँ पर जो लाल मिर्च होता है उसके बीज को निकाल के मैंने भिगा के रखा था, बाद में उसे मैंने मिक्सर में पेस्ट कर लिया। तो जब भी हम शेजवान सॉस जब घर में बनाते हैं उसके कुछ कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें लगेंगे। तो यहाँ पर है अदरक, लहसुन और हरा मिर्ची का पेस्ट, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा तेल। तो ये मैंने तेल डाल दिया, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट है, हम वो डालेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा में एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैं डाल दिया इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा लहसुन जो है मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेता हूँ। तो इसे हम अभी फ़िलहाल मिक्स कर लेते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, किचन में इतना गर्म हो रहा है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि हमारे मम्मी या घर के जो भी लेडीज़ होते हैं जो किचन में खाना बनाते हैं वो कितनी गर्मी बेयर करते होंगे। आप देख सकते हो कि मैं बड़ा पसीना पसीना हो रहा हूँ। तो फिलहाल जो काम कर रहे हैं उससे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैगी का जो टमाटो सॉस है हम वो ऐड करेंगे। डार्क सोया सॉस, ये आप देख सकते हो, डार्क सोया सॉस। थोड़ा सा अजीनामोटो और थोड़ा सा विनेगर। सो गाइस, शेजवान सॉस इज रेडी। और पकोड़े को जो है हमने काट काट के यहाँ पर रखा था। फिलहाल अभी जो है नूडल्स बनाने की तैयारी चल रही है। गाइस ट्रस्ट मी, किचन में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, कांट एबल टू वर्क प्रॉपरली। और मैं आई एम जस्ट वंडरिंग कि यार घर के लेडीज़ लोग कैसे किचन में काम करते हैं। तो मेरा तकलीफ है, वो मम्मी से देखा नहीं गया, तो मम्मी ने कहा कि मैं हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने भी वो हेल्प एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं चलो मिल के बनाते। तो फिलहाल प्रिपरेशन कर लेते हैं हम लोग नूडल्स का। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो, यहाँ पर सॉस वगैरह रखा हुआ है। सॉस है, ये है विनेगर, चिली सॉस, ये आप देख सकते हो, ये चिली सॉस है। और डार्क सोया सॉस है, और ये है केचप मैगी, और अजीनामोटो है थोड़ा सा यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम 2 अंडे जो है वो फेंट रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर नूडल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा मिर्ची है। हाँ फिलहाल तो अभी ये तेल जो, हाँ बस तेल अभी डाला जा रहा है। और यहाँ पर चिकन, हाँ, और ये 2 अंडे जो है हमने फेंट के रखा है, तो अभी हम इसमें डालेंगे। और फिलहाल ये ऑमलेट जैसा बनेगा। A few moments later. So guys, this is called YouTubers Live. आप देख सकते हो कि करंट नहीं है, करंट चला गया है, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। लाइट्स जो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक लाइट जल रहा है और मेरे कैमरा के ऊपर भी एक फ्लैश लाइट है, वो मैं जला के शूट कर रहा हूँ क्योंकि डिलीवर करना है। और जो मैं एवरी सैटरडेज को जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए, तो करना पड़ता है। सो गाइस, स्पीकिंग ऑफ प्रायोरिटी कि हम हमारे काम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। बीइंग अ यूट्यूबर हम लोगों का पूरा दिन जो रहता है वो स्केड्यूल रहता है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। आउटडोर लोकेशन पे जाके शूट करना, फिर आके एडिट करना, अपलोड करना, काफ़ी सारे काम रहते हैं। एंटायर वीक ही बिजी रहते हैं, हफ्ते का एक दिन मिलता है हमें तो उस बीच में जो भी घर का जो काम होता है हमें साथ ही साथ वो भी करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में बैलेंस जो है वो हमेशा रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पर्सनल लाइफ प्लस आपका प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बैलेंस रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है घर के भी काम कीजिए, साथ में आप YouTube कर रहे हैं, जो भी अदर काम कर रहे हैं, दोनों को आप बैलेंस रखिए, दोनों को साथ में करिए। लोग मदर्स डे के दिन ही खाली पोस्ट को अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पे पिक्स अपलोड कर देते हैं कि मदर्स डे है, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कोट्स वगैरह जो होता है वो लिख देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स डे आप रोज़ सेलिब्रेट कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट कीजिए, अपने मदर का जो है वो केयर कीजिए, उसके होने का जो वैल्यू है वो उसे आप हमेशा बताइए, प्लस घर काम में उनका हाथ बटाइए। ठीक है, मेरे तरफ से मैंने कहा एक छोटा सा एफर्ट किया, मुझे पता है कि वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किचन का वो एक घंटा जो मैंने अनबेरेबली हीट था जो मैंने झेला, वो हमारे घर के जो लेडीज़ है, हमारी मम्मियाँ होती है, गृहिणियाँ होती है, वो रोज़ झेलती है, पूरे दिन झेलती है। सो हमें उनकी कदर करना चाहिए और रेस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। सो गाइस, मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ यार लाइक का बटन ज़रूर दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आज चैनल पे हमारे नए हैं तो बॉस सब्सक्राइब तो आज करके ही जाना है, पास ही में बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।